है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यस सर, दोस्तों पेरेंट्स होना या पेरेंट्स बनना ये एक बहुत ही सुंदर एहसास है और बहुत सारे दंपति इस एहसास का अनुभव करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आप लंबे अरसे से माता पिता बनने के इंतज़ार में हैं या तो आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप उम्मीद ना हारें, क्योंकि परमेश्वर में हम हमेशा उम्मीद बनाए रख सकते हैं। आज हम इस विषय के लिए खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिबेका, हमने अक्सर हमारे देश में ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं ये एक संस्कृति है कि लोग अक्सर विवाह के बाद जोड़ों को पूछने लगते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या कब बच्चा होने वाला है वगैरह वगैरह। तो समाज का दबाव, एंग्जाइटी हमारे अंदर आ सकता है जब थोड़ा लेट हुआ है। और इसलिए आज दोस्तों हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए कि वो अच्छा और भला परमेश्वर है और परमेश्वर जब भी देर से भी देगा तो वो सबसे उत्तम देगा। जी बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड दोस्तों, इसलिए परमेश्वर पर अपना भरोसा आप बनाए रखें। आइए दोस्तों, आज हम आपको इंकरेज करने के लिए मुलाकात कराएं निकी नंदगवे से और उनकी पत्नी प्रियंका से, जो हर नए पेरेंट्स के समान अपने बच्चे के इस दुनिया में आने की खुशी के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उनकी राह में आने लगी। दोस्तों क्या उनका इंतज़ार सफल हो पाएगा? क्या उन्हें माता पिता बनने का सुख मिलेगा? आइए उनकी इस कहानी को आज हम देखें। निकी नंदगवे और प्रियंका बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि उनका पहला बच्चा होने वाला है। जैसे ही पता चला हम लोग ने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की और हमने कहा प्रभु धन्यवाद की एक खुशी को आपने हमारे जीवन में दिया है। लेकिन कुछ ही महीनों में निकी की पत्नी बीमार रहने लगी और जब टेस्ट किया तो डेंगू इतना फैल गया था कि प्लेटलेट्स पूरे कम हो गए थे और प्लेटलेट्स जब काउंट किए तो उसमें 40,000 थे। घर जाने के बाद प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ये तेरी इच्छा है, ये तेरी योजना है और ये गर्भ का फल तेरी ओर से है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई आ जाए और इसके ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण हो, इसको आपके लहू से कवर करते हैं। और जब हमने ये प्रार्थना किया डॉक्टर ने फिर से 2 दिन के बाद में प्लेटलेट्स काउंट का टेस्ट करने के लिए कहा। हमने फिर से 2 दिन बाद में प्लेटलेट्स काउंट का टेस्ट किए तो वो 75,000 हो गया और फिर डॉक्टर ने फिर से कहा 2 दिन बाद टेस्ट करो, इट्स गॉन 1 लाख। फिर से 2 दिन के बाद में टेस्ट किए तो 1-2 लाख के करीब में कुछ तो भी प्लेटलेट्स बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक चेकअप के दौरान कुछ ऐसा पता चला जिसने निकी को परेशान कर दिया। 7 मंथ में जब चेक किए तो सोनोग्राफी में पता चला कि बेबी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बिफोर उसकी डिलीवरी करना पड़ेगा। चिंतित निकी ने यीशु मसीह की ओर मदद के लिए देखा। फिर मैं वहीं पे खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा और हाथ रख के उसी स्थान में बाहर निकल के कैबिन के वहीं पे हाथ रख के प्रार्थना करने का, परमेश्वर ये फिर से एक बार एक परिस्थिति हमारे सामने में खड़ी आई। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम यहाँ पर टेस्ट किए हैं, सोनोग्राफी किए, हम लोग और एक चांस लेते हैं, कई और सोनोग्राफी करते हैं। तो डॉक्टर ने खुद दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया और उन्होंने सोनोग्राफी करने के लिए कहा। जल्द ही निकी को अपनी प्रार्थना का जवाब मिला और उनकी पत्नी की हालत में सुधार आया। जैसे ही उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और उन्होंने मशीन से चेक किया, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, जैसा सही समय है तभी होगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। हम दोनों वापस आए और मैडम से मिले कि मैडम डॉक्टर ने ऐसा बताया। बोले कोई टेंशन नहीं, फिर आपका जैसे 9 महीना होगा हम तभी ऑपरेशन करेंगे। इसके बाद निकी और प्रियंका ने बाइबल में लिखे वचनों पर विश्वास करना शुरू किया। मेरी नींद खुल जाती थी अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock के करीब और मैं प्रार्थना करते रहता था वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रख के। और उस समय परमेश्वर ने मुझे वचन दिया जर्माया का कि मैंने तुझे तेरी माँ के कुख से ही चुन लिया, और वो वचन पकड़ के ही मैं प्रार्थना करते रहता था। भजन संहिता में लिखा है 121 में, ना तो दिन के धूप से ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होंगी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेंगे, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेंगे, यहोवा तेरे आने जाने में रक्षा आपसे लेकर सदा तक करते रहे। ये वचन को मैं क्लेम करते रही। निकी और प्रियंका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उन्हें एक बेटा हुआ। 28 जन को 2021 में मेरा बेटा हुआ, आज वो 1 साल का हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, बहुत ही आशीषित, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही एक्टिव बेबी मुझे दिया है। कई ऐसी कठिनाइयाँ आई, कई ऐसी परेशानियाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने एक सुंदर से बेबी को देखा, और देखने के बाद एक बहुत ही आनंद और एक बहुत ही खुशी का माहौल हम लोगों ने फील किया हमारे घर में। आज निकी और उनकी पत्नी प्रियंका प्रभु यीशु के शुक्रगुजार हैं उनके जीवन में आए सभी आशीषों और आशीर्वाद के लिए। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार और अपने समय के अनुसार देने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों कोटि कोटि एट द एंड ऑफ मेरे लाइफ तक ही परमेश्वर को मैं धन्यवाद और धन्यवाद ही देता हूँ। सच में हम योग्य नहीं हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत अच्छे भले परमेश्वर है। जो भी मांगते हैं हम, वो हमारे आंसुओं को देखते हैं और हमारे आशा को पूरा करते हैं। उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और सच में बोलता है कि मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। चेक कर देखो वो परमेश्वर कितना भला है, उनके जैसा कोई नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जितना भी धन्यवाद दो उतना ही कम है। आज उनकी वजह से मेरा बेटा है, आज उन्होंने सब लोगों के ताने से उन्होंने मुझे बचाया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। Wow friends, what a story. The Lord did it for Nikki and Priyanka. और परमेश्वर आपके लिए भी कर सकते हैं। Amen. With God all things are possible दोस्तों। इस प्रतिज्ञा को थामे रखें और जाने कि परमेश्वर भला है और आपके साथ यकीनन सही समय में भलाई करेगा। तो हिम्मत ना हारे, प्रभु पे विश्वास रखें। और दोस्तों हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ते रहें। हम देखते हैं कि निकी और प्रियंका से कैसे परमेश्वर ने अपने वचन से, जेरेमाया की पुस्तक से परमेश्वर ने बातचीत की और उनको अपने वायदों से उनको इंकरेज किया। दोस्तों आप भी जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वायदों को आप थामेंगे, उन्हें क्लेम करेंगे अपनी प्रार्थनाओं में और उन्हें अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर एक जोड़ा जो था वो इंतज़ार कर रहा था। अब्राहम और सारा की एक ऐसी खूबसूरत कहानी है और ज़करिया और एलिज़ाबेथ की कहानी है। मैं ये दो कहानियों पे खास गौर कर रहा हूँ क्योंकि जब देर हुआ तो परमेश्वर ने उन दोनों के पास स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ये खबर लेकर आता है कि आप निराश ना हो, आपको संतान होने वाला है, आपको बेटा होने वाला है। अब कमाल की बात यह है दोस्तों कि दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। जहाँ सारा एक तरफ खबर सुनते ही हंस पड़ी, वो हंस रही थी क्योंकि वो सोच रही थी ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब ज़करिया की बात करते हैं जो नए करार में है तो वहाँ पर उसने सवाल उठाया कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब तो अब मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। और दोनों ही से परमेश्वर खुश नहीं, दोनों ही को एक तरीके से स्वर्गदूत डांटता है। सारा से कहता है तू हंसी क्यों, तुझे हंसना नहीं चाहिए था। और ज़करिया की तो बोलती बंद हो जाती है, वो गूंगा हो जाता है जब तक कि उसका बेटा नहीं होता। लेकिन दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जब उन्हें बच्चे हुए तो वो क्या कमाल के हुए, उन्होंने इतिहास बनाया। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने इसहाक से आशीषित किया जिस जो आगे जाकर एक बुनियादी बच्चा है और वंशावली में, यीशु की वंशावली में वो शामिल होता है। और ज़करिया और एलिज़ाबेथ को योन्ना, जिसको हम योन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, वो हुआ। अगर आप आज इंतज़ार कर रहे हैं तो आप निराश मत होइए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हंसे नहीं, सवाल नहीं उठाए। तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आइए इब्रानियों के 6 अध्याय 11वें और 12वें वचन से मैं आपके लिए एक चंद वचन पढ़ना चाहता हूँ। देखिए ये वचन हमें क्या कहता है। हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 11-12, मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक व्यक्ति यही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी होते हैं। क्या दो बातें हैं दोस्तों, फेथ और पेशेंस, विश्वास और धीरज। आप विश्वास रखिए, आप धीरज रखिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। उसने अब्राहम और सारा के जीवन में किया, उसने ज़करिया और एलिजाबेथ के जीवन में किया, वो आपके भी जीवन में करेगा। तो आप भी प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थामे रखें, विश्वास में डगमगाएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का खरा है, वो आपको यकीनन आशीष देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस समय में जब आप एक बच्चे की आशीष के इंतज़ार में हैं, आप निराश नहीं होंगे पर आप विश्वास और धीरज में आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो क्यों ना आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में, और हमें पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर अपने सही समय में पूरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस विषय को लेकर के कुछ काउंसलिंग चाहते हैं या लाइफ में कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो देर किस बात की, आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.cbnindia.org, और वहाँ पर अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो प्रेयर लाइन में, CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोरिया के साथ जुड़ेंगे और आपके भेजे गए निवेदनों को लेकर प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। The Superbook annual fancy dress competition is back. आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper, and all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. Register करने के लिए log on to cbnindia.org, fill in the registration form और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं and the last date of registration is the 25th of November. Khushi, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. एवरीवन, बच्चों के लिए तो हम आए दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन नवंबर के महीने में हम पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है। पेरेंट्स के स्ट्रगल, उनके चैलेंजेस, फियर्स एंड फेलियर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स टू सीक हेल्प कि कैसे इन चैलेंजेस को फेस करना है और अपने बच्चों को ब्यूटीफुली रेज करना है। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप पेरेंट्स बने नहीं हैं लेकिन आपकी इच्छा है कि आप पेरेंट्स बने, तो आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9910401010 पे। तब तक के लिए चलिए इन्हीं सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पहले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। आई एम अ मदर ऑफ 1-year-old डॉटर। माई डॉटर्स नेम इज इनाया शर्मा। प्लीज ब्लेस अस, गॉड ब्लेस अस, प्रे फॉर अस, गिव मी एनर्जी, गिव मी स्ट्रेंथ and encourage me all the time that I can give her good upbringings, and please pray for her bright future. हम परमेश्वर से आपके लिए गाइडेंस को मांगेंगे ताकि परमेश्वर आपको एज अ मदर, एज अ न्यू मदर गाइड कर पाएँ कि आपको अपने बच्चे को कैसे रेज करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अनाया को आपके हाथ में सौंप कर धन्यवाद देते हैं कि बच्चे एक आशीष का कारण बनते हैं परिवार के लिए। धन्यवाद देते हैं उस बच्चे के ऊपर आपके प्रोटेक्शन को बोलते हैं और पूरे परिवार के ऊपर आपकी रक्षा को बोलते हैं। हम आपके गाइडेंस को मांगते हैं ताकि एज ए मदर आप बहन को गाइड कर सके कि वो अपने बेटी को कैसे रेज अप कर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आई इसी के साथ अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा एक 3 साल का बेटा है, वो बहुत ही गुस्सा करता है कभी कभी, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसके लिए प्रेयर करें और ताकि हम किस तरह से उसे हैंडल करें और उसको किस तरह से प्यार से समझाएं। ज़रूर सिस्टर, आई नो नए पेरेंट्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खासकर जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अब रहते हैं और हमें पता नहीं कि कैसे बच्चों को हैंडल करें। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें स्ट्रेस में ले आती हैं, बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम आंसर्स पा सकते हैं और प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, वो चीज़ों को, सिचुएशंस को बदल सकती है। इसीलिए आइए हम आपके लिए प्रार्थना में इस बात को रखते हैं। पिता, हम चाहते हैं इस फैमिली को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, इनको गाइड करें पिता परमेश्वर, दोनों माता पिता और बच्चों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। इनको अपने वचन से गाइड करिए पिता परमेश्वर कि कैसे वचन में बढ़ते हुए बच्चे को प्यार से बड़ा करना है पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर गुस्सा या झुंझलाहट है बच्चे के अंदर पिता परमेश्वर, उसके लिए मांग लेते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि उसके मन को शांत करिए पिता परमेश्वर। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करें। मैं अपनी बेटी एमी के लिए प्रार्थना करवाना चाहता हूँ क्योंकि उसका एपेटाइट अच्छा नहीं है और मुझे बहुत टेंशन रहती है कि उसकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो प्लीज़ आप उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर की जो दुआ से वो अच्छे से खाने पीने लगे और अच्छे से रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं भाईजान के बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपकी रक्षा को उसके ऊपर बोलते हैं और अच्छा स्वास्थ्य उसके ऊपर बोलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि वो अच्छे से खाना पीना कर पाएगी पिता परमेश्वर और उसका हेल्थ अच्छा हो पाएगा। उसके लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना निवेदन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप चिंता बिल्कुल ना करें क्योंकि परमेश्वर ज़रूर आपकी बेटी के हेल्थ का ध्यान रखेंगे और उसे बहुत तंदुरुस्त बनाएंगे। मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक 4 साल का बेटा है और जब वो हुआ था तो हमें भी बहुत डाउट रहता था कि कैसे उसको हैंडल करें। बच्चे काफ़ी बार बहुत ज़िद करने लग जाते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें चॉकलेट नहीं मिली या हमारी बात पूरी नहीं की हुई, हमारी बात नहीं सुनी गई। ऐसे में बच्चों पर नाराज़ ना हो, गुस्सा ना करें, उन्हें डांटे ना, बल्कि जब वो रोते हैं तो उनके पास रहें। लेट देम गो थ्रू दैट पेन। ऐसा करने से उनको अपने इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है और वो आपकी बातों को धीरे धीरे समझते हैं। जब दोनों तरफ से गुस्सा और लड़ाई नहीं देखते हैं तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आगे भी लाइफ में वो आपसे बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच निवेदिता फॉर शेयरिंग दैट टिप। आई बिलीव कि आपको ये टिप ब्लेस किया होगा जो लोग भी हमें आज सुन रहे हैं। और ये भी साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरी 3rd Tuesday ऑफ द मंथ CBN Prayerline CBN India यूट्यूब चैनल पर लाइव जाता है एट 3 PM। आप साथ जुड़ें और पर्सनली कनेक्ट करें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ और हम मिलकर आपके लिए प्रेयर करेंगे। हमें आपका इंतजार रहेगा ऑन ट्यूसडे 22nd of November एट 3 PM CBN India यूट्यूब चैनल पे। अब हम चलते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों, जैसा अभी निवेदिता और ग्लोरिया ने हमें बताया कि ऑन द 22nd of November CBN India इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर, तो आप ही CBN Prayerline में ज़रूर जुड़े और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो लाइव आप शेयर कर सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना होगी। और हम सब जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है और हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तो इस मौके को आप ना गंवाएं। आप ज़रूर इनके साथ जुड़े और प्रार्थना में ज़रूर आप प्रार्थना करें भी और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजें भी। यस दोस्तों, जैसे हम आपको बताते हैं हमारा नंबर है 9910401010। हमारी लाइन्स जो है ये हफ्ते के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है। हम आपकी मातृभाषा में भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और हमसे संपर्क कीजिए। जी, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और समय आ गया है एक ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद आज शुक्रवार में आपके हम मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। Have you been waiting long to become parents? Comparison, negative comments, hopelessness, discouragement might be affecting you and your spouse. Seek help and support with CBN expert counselors and face your challenges with new hope and confidence. उत्सव का समय है और CBN फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। CBN फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं का जवाब सही समय पर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें क्योंकि वो प्रार्थनाओं का जवाब देता है और इसका एक जीता जागता सबूत है शुक्रिया शुक्रवार, जहाँ पर हमारे प्रिय दर्शक हमें मैसेज करके बताते हैं कि कैसे प्रभु ने उनके प्रार्थनाओं को, उनके विनतियों को स्वीकारा। तो आइए दोस्तों, इस समय कुछ चंद मैसेजेस पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। शुक्रिया शुक्रवार में पहला मैसेज जो है वो हमें हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में आया है और हमारे प्रिय दर्शक हमसे कह रहे हैं, आपका कार्यक्रम हमें एनकरेज करता है दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए। जब से मैंने आपका कार्यक्रम देखना शुरू किया है तब से मैंने अपने परिवार में प्रार्थनापूर्ण वातावरण बनाने का भी निश्चय किया है। आप जो हमारे वेलफेयर के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर एनकरेजिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए और हमें प्रोत्साहन करने के लिए। आप भी इस नेक काम में शामिल हो सकते हैं जी। और आइए देखिए एक और मैसेज जो हमें हमारे दर्शक ने YouTube पे भेजा है और ये कह रही हैं, मैं पिछले 6 महीनों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत बार आपसे प्रे करवाई क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा अटका हुआ था और आपकी प्रार्थना की वजह से मेरा सारा पैसा मुझे मिल गया है। मैं CBN टीम का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई, आप हमारा धन्यवाद करते हैं पर हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि ये जो प्रार्थनाएं हैं हम परमेश्वर से करते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और हमारी मदद करता है और परमेश्वर की मदद से ही आपके पैसे आपको मिल पाए हैं। सो टुगेदर विद यू वी आर ग्रेटफुल टू गॉड। यस यस, आइए दोस्तों इस समय भी हम दुआ करें, इस समय भी हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो हमारे विनतियों को सुनेगा। खास हम प्रार्थना करने वाले हैं आज उन जोड़ियों के लिए जो संतान का इंतज़ार कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद ये जो गवाहियाँ हैं जो हम देख रहे हैं शुक्रिया शुक्रवार में, प्रभु हम सच में आभारी कि तू हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। प्रभु तू अनसुना नहीं करता। प्रभु तू, तेरा वचन कहता है कि तू हमारे प्रार्थनाओं के प्रति अपना कान लगाता है, हमारी दुआइयों को सुनता है और स्वर्ग से अपना जवाब भेजता है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए, प्रभु खासकर उन जोड़ों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं एक बच्चे का। प्रभु तेरा वचन कहता है बच्चा तेरी ओर से एक तोहफा है और ये तोहफा तू उन्हें देगा। प्रभु उनकी झोली को अपने आशीषों से तू भरपूर करेगा। प्रभु हम जानते हैं जब भी देर होता है तो तेरी ओर से तोहफा उतना ही ज़्यादा मूल्यवान होता है। प्रभु जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु उनके विश्वास को तू सरा और उन्हें आशीषित कर, उन्हें एक संतान से आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। आमीन। दोस्तों, अगर खुशखबरी है तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी भी गवाही शुक्रिया शुक्रवार में बताना चाहेंगे। जी, और दोस्तों विश्वास और धीरज में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वचन का सहारा लें, परमेश्वर के वचन के साथ आप समय बिताएं और प्रार्थना आप करते रहें। आइए इस समय भी हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या सिखा रहा है। दोस्तों, क्या वादा है इस वचन में। ये कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, तब वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंतज़ार कर रहे एक संतान का, तो डगमगाए नहीं, विश्वास रखें और परमेश्वर के राज्य की खोज करें, परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहें, तब वो आपके मनोकामनाओं को यकीनन पूरा करेगा। जी, और हमारी यही प्रार्थना होगी आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको बहुत जल्द इस आशीष से नवाजे, और जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिले तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस को इंक्लूड करके अपने दर्शकों को और भी इंकरेज कर सकें। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के एपिसोड से आपको प्रोत्साहन मिला है। हमने शास्त्र की अलग अलग कहानियों को देखा, हमने निकी और प्रियंका की कहानी को देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास और दृढ़ हुआ है कि परमेश्वर पे यकीन कीजिए, वो सही समय में आपको जो आपका मनचाहा है वो सबसे उत्तम तोहफा यकीनन देगा। जी दोस्तों, हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है, और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। और आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ की चिल्ड्रंस कॉयर हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत गा रही है, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। यस दोस्तों, आप ऐसे खूबसूरत गीत या ऐसे ही और गीत किसी को अगर आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो देर किस बात की, आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए www.cbnindia.org, और वहाँ पर आप जो भी मनचाहा गीत जो है वो आप किसी दोस्त यार परिवार जन को डेडिकेट कर सकते हैं। तो समय आ गया है कि इस गीत को हम सुने और आपको अलविदा कहें। हैव अ लवली डे एंड हैव अ लवली वीकेंड फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। टेक केयर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तियों के सेना आए राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। होकर